f is a boundary function, आप बोल रहे हैं f एक बाउंड्रेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल पे और p को सेम पार्टीशन दे रहे हैं दो तरीके के, ठीक है। आप बोल रहे हैं l ऑफ f ऑफ p जो होता है लेस देन इक्वल टू u ऑफ f ऑफ q के बराबर है, लेस देन इक्वल, ठीक है। तो इसमें जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, और जब दो पार्टीशन दे रहे हैं तो हम उसका यूनियन कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर एज अ पार्टीशन, एज अ पार्टीशन ऑफ a, कि हम इसका यूनियन जो है ना उसका पार्टीशन मान रहे हैं, ठीक है। जब उसका यूनियन को पार्टीशन मान रहे हैं तो मतलब क्या है, अब यूनियन तो जानते ही है ना, मतलब क्या है, पी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, पी यूनियन क्यू के, राइट, फर्स्ट इक्वेशन होगी। एंड ऐसे क्यू जो होगा वो भी लेस देन इक्वल टू होगा पी यूनियन क्यू के, ये होगी सेकंड इक्वेशन। ये तो अगर आप समझते होंगे कि यूनियन है दो चीज़ कंबाइन हुए आपस में तब वो वैल्यू दे रहे हैं, तो उसका जो उसका सबसेट होगा जैसे पी होगा तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं छोटी होगी ना, आपने यूनियन के टर्म्स पर पढ़ी होंगी, पी जो होगा उसमें छोटा ही होगा क्योंकि दोनों को कंबाइन होकर पी यूनियन क्यू बने, ठीक है। क्यू का एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा हुआ तब वो तो लेस देन इक्वल टू वाई रहे ना, क्योंकि वो कंबाइन है, ऐसे क्यू के लिए जो होगा जब हम इसका यूनियन ले जाए, ठीक है। देन फ्रॉम फर्स्ट मैं फर्स्ट को कंसिडर कर लूँ, यहाँ पर कंसिडर करके फर्स्ट को तो मैं इसको ना एल के लिए बना लूँ, ठीक है। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताती हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक पार्ट करवाया था लेमा, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेमा करवाया था ये वाला, ठीक है। इस लेमा में मैंने तीनों चारों सीक्वेंस को प्रूव करवाया था, तो अब मुझे ना पहले मैंने इसमें मुझे अब दे रहा था कि इसको और इसको देखा है ना, इन दोनों को मुझे बोल रहा था देखो प्रूफ में इन दोनों को करो, बट लास्ट में मैंने चारों प्रूफ कर दिए, बट द पॉइंट इज मैंने एक एक करके करके इन दोनों को ऐसे कंबाइन कर दिया। तो मैंने जब इन दोनों को करा था इसका मतलब क्या है कि जब हम दो पार्टीशन होते हैं तो हम ऐसे फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने लास्ट प्रूफ में बताया था कि जब कोई दो पार्टीशन होती है, दोनों पार्टीशन है पी और इसमें जब दोनों दो एक छोटा और एक बड़ा हो, ये दोनों पार्टीशन है, ठीक है, और एक एक पार्टीशन छोटा है और एक पार्टीशन बड़ा, तब हमें क्या होता है, अगर हम एल की बात करें, अगर हम अपने एल की बात करें तो एल है ना दोनों के लिए कंसिडर होता है, एल ऑफ पी इज लेस देन इक्वल टू एल ऑफ पी ओ क्यू, मतलब कि जब हम पार्टीशन अलग अलग लें, जब हम अलग अलग पार्टीशन लें तो एल के लिए क्या होता है, छोटे वाले के लिए छोटा वाला ऐसे ही साइन आता है, मतलब जैसा साइन दे रखा है वैसे ही साइन आएगा। बट अब अगर हम अपर के लिए बात करें और पार्टीशन अलग अलग लें तो जो बड़ा वाला होगा ना हमारा क्यू तो वो लेस देन वैल्यू देता है ऐसे, यू ऑफ एफ ऑफ पी, ये उल्टा हो जाता है, मतलब समझो देखो अलग अलग पार्टीशन ले रहे हैं हम यहाँ पर अलग अलग, देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है एल ऑफ एफ ऑफ पी जब हम सेम सेम पार्टीशन लेते हैं, यू ऑफ एफ ऑफ पी, मतलब देखो यहाँ पर पार्टीशन दोनों सेम है तब एल और यू में ये रिलेशन है कि एल छोटा होगा और यू बड़ा होगा, क्योंकि ये इंटीमम को बताता है एक तरीके से, ये एक तरीके से सुप्रीमम को बताता है ना। अब बट अगर हम दोनों अलग अलग पार्टीशन ले रहे हैं, एक पी पार्टीशन ले रहे हैं दूसरों को क्यू वाले पार्टीशन से कंबाइन कर रहे हैं, तो दोनों में ये रिलेशन होता है जब हम एल की बात करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन है, जब एल की बात करेंगे तो वैसा ही साइन आएगा जैसा पार्टीशन का देगा, पी छोटा है तो लेस देन में ही जाएगा, बट जब हम यू की बात करें तो यू में जो बड़ा वाला है ना वो छोटा हो जाता है, वो लेस देन इक्वल टू हो जाता है यू एफ ओ पी वाले पार्टीशन से, जो छोटा वाला पार्टीशन है ना वो यहाँ पर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने जो बताई है वही चीज़ मैं यहाँ पर सेम लिखूंगी। अब नाउ देखो ये यहाँ पर है ना, मैं देखो एल लगाने वाली हूँ, यहाँ पर एल लगाने वाले, तो एल में जैसा साइन है वैसे ही लगेगा, ठीक है। तो एल ऑफ एफ देखो, एल देखो मैं यहाँ पर भी लगा सकती हूँ, यहाँ पर भी लगा सकती हूँ, ठीक है, मेरी चॉइस है, ठीक है। बट द पॉइंट इसमें यहाँ पर ये बता रही थी, मैं यहाँ पर इसीलिए लगा रही हूँ, फर्स्ट वाले में एल इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि देखो मेरे को गिवन कहाँ लगता है, एल कहाँ पर है, पी वाले पार्टीशन के पास है, ठीक है। तो मैं एल जो है पी वाले में लगा रही हूँ, मतलब फर्स्ट वाले में पी है ना मेरा अकेला पी, ये फर्स्ट वाले में पार्टीशन दे रहा था ना, तो मैं इस वाले में लगा रही हूँ, तो ये चीज़ लेस देन इक्वल टू हो जाएगी कौन सा वाला, एफ को इसके साथ इस वाले में कंबाइन है ना, तो दूसरा पार्टीशन कौन सा हो जाएगा, इसका कंबाइन वाला पार्टीशन ले लूँगा, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन मेरी थ्री। अब सेकंड वाले से ले लूँ मैं, फ्रॉम सेकंड, अब देखो सेकंड वाले में मेरा क्यू मिल रहा है और सेकंड वाले में देखो यू ऑफ एफ ऑफ क्यू है, तो मेरे को यहाँ पर यू वाला लगाना पड़ेगा, तो मैं यू मेरे को लगाने के लिए किस में जाना पड़ेगा, सेकंड वाले में, क्योंकि मुझे यू ऑफ एफ ऑफ क्यू है, तो मतलब यू मैं किस में लगाऊंगी, इस वाले में लगाऊंगी। तो u के लिए क्या होता है, जब हम फंक्शन ऑफ q करते हैं तब हम u, मैंने बताया था जब q की बात करते हैं, मतलब कि जो बड़ा होता है ना पार्टीशन वो पहले आता है, तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, तो मतलब कि u ऑफ f ऑफ
क्या आएगा, बड़ा वाला पार्टीशन आता है लेस देन में, तो पी ऑफ यू क्यू आएगा वो लेस देन इक्वल टू यू ऑफ एफ ऑफ क्यू होगा। ठीक है, ऐसा आपको समझ आएगा, मतलब कि पी इज लेस देन, मतलब कि पी इज लेस देन इक्वल टू पी यूनियन क्यू, तो पी इज लेस देन इक्वल टू पी यूनियन क्यू जब हम एल की बात करेंगे। ठीक है, एंड क्यू इज लेस देन इक्वल टू पी यूनियन क्यू, बट यहाँ पर क्यू जो है मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन में लिया, तो इसीलिए जब हम यू की बात करते हैं तो हम उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है एक तरीके से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इधर ही क्यों फर्स्ट में क्यों लगा, तो मैंने बता रखा है गिवन में मुझे एल ऑफ पी के पास एल दे रखा है, यू के पास क्यू दे रखा है, तो पी यहाँ पर अकेला, तो मैंने यहाँ पर एल के लिए चली, और यहाँ पर क्यू मेरा अकेला था तो यहाँ पर मैंने यू के लिए चला। ठीक है, तो यहाँ पर होगी फोर्थ क्वेश्चन। और इन जनरल आप जानते ही हैं कि एल और क्यू में, एल और यू में, सिर्फ एल और यू में क्या रिलेशन होता है, इन जनरल आप जानते हैं कि एफ ऑफ, अगर मैं पी यूनियन क्यू का पार्टीशन हूँ तो लेस देन इक्वल टू होता है जब हम सेम पार्टीशन लेते हैं, मैंने अभी बताया था जब दोनों का सेम पार्टीशन हो तो एल और यू में यही रिलेशन होता है, एंड इंफिमम को बताता है, यू जो होता है सुप्रीमम को बताता है, राइट। ये स्टार्टिंग की डेफिनेशन है, स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट करा था, मैंने बताया था। ठीक है, तो ये होगी हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, नाउ फ्रॉम, या फिर कंबाइन कर लो, कंबाइन थ्री फोर एंड फाइव, जब इन तीनों को कंबाइन करोगे ना, जब स्टार्टिंग वाले से लेकर थ्री से लेकर चलती एल ऑफ एफ ऑफ पी से लेकर चलती हूँ, एल ऑफ एफ ऑफ पी इज लेस देन इक्वल टू किससे, एल ऑफ एफ ऑफ पी यूनियन क्यू, और एल एल ऑफ एफ ऑफ पी यूनियन क्यू का यहाँ पर है ये चीज़ किससे लेस देन है, इससे, तो यू ऑफ एफ ऑफ पी यूनियन क्यू, और यू ऑफ एफ ऑफ पी यूनियन क्यू फिफ्थ वाली यूज़ हो गई, मतलब यहाँ पर मैंने पहले थर्ड यूज़ करी, फिर फिफ्थ यूज़ करी, उसके बाद मैं यहाँ पर फोर्थ यूज़ करी। ठीक है, ऐसे ऑर्डर लिख लो, उसके बाद मैं फोर्थ यूज़ करी, उसके बाद यहाँ पर चली गई, ये किससे लेस देन है, इस यू ऑफ एफ ऑफ क्यू से। अब देखो ये मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया, देयरफॉर इसको मैंने ले लूँ ना डायरेक्टली, अब क्योंकि मुझे यही दो तो बताने हैं, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू यू, आई होप आपको समझ आ